29 अक्टूबर को भारत बनाम इंग्लैंड के मैच के लिए बुधवार देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम लखनऊ पहुंच गई। इस दौरान नवाबों की नगरी के लोगों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। खास बात यह थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को देखने के लिए शाम 5:30 बजे से ही लोग अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गए थे और जैसे ही अमौसी एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा ने कदम रखा तो चारों ओर इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। खास बात यह थी कि पहले भारतीय क्रिकेट टीम दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचने वाली थी। ऐसे में 2 बजे से ही लोगों का एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम रात 8 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंची। इसके बावजूद लोगों का जोश उत्साह कम नहीं हुआ। बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष, बुजुर्ग सभी वहां लाइन में खड़े रहे। कुछ तो ऐसे भी फैंस थे जो आए थे दूसरे राज्यों से, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कुछ ही घंटे में भारतीय क्रिकेट टीम इसी टर्मिनल पर पहुंच रही है तो लोग वहीं पर खड़े हो गए। अपने घर न जाकर के भारतीय क्रिकेट टीम का इंतजार लोग करने लगे। जैसे ही क्रिकेट टीम आई, लोगों ने तस्वीरें खींची और वर्ल्ड कप जीत कर लाना जैसे नारे लगाए। बस में सबसे आगे रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा बैठे हुए थे, जबकि सामने आपको विराट कोहली साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड का दिलचस्प मैच इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। बुधवार देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है। नानी बताएं, आप लोगों का नाम क्या है? ये मोहम्मद सरताज है, मैं इनकी बहन हूँ अजरा। कितनी देर से इंतजार कर रहे आप टीम? हम लोग समथिंग 5:30 बजे से थे यहाँ पे। जी, वेट तो कैसा लगा आपने क्रिकेट की टीम को देखे पास? बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत वीडियो शूट भी किया है क्या? हमारी इंडिया विजय टीम में तैयार है। भगवान ने इंशाल्लाह चाहा तो वर्ल्ड कप जो है इंडिया ही आएगा, जीत जाएगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक है। कितना अच्छा लगा पास से देखे क्रिकेट? बहुत ही अच्छा लगा। अनुभव नहीं हुआ हम लोगों को जो है कि कितना अच्छा लगा हम लोगों को देख के। तो ये थे भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस जो घंटों इंतजार कर रहे थे अपने पसंदीदा खिलाड़ी की झलक पाने के लिए। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।